आखिर अचानक से आप देखें डॉक्टर साहब कि दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ठीक है, पहले एक एज के बाद कहा जाता था कि भाई अब थोड़ा सा खतरा है, लेकिन अभी तो आप देखिए कि जवान एकदम बच्चे किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, मतलब किसी पर भी आए वो दिल खट देसी धड़कने बंद। तो ये जो चल रहा है इसे आप कैसे देखते हैं, और वास्तव में अभी और कितने शोध की जरूरत है, क्योंकि आज भी हम नहीं भाप पाते कि वास्तव में दिल में कुछ गड़बड़ चल रही है। जी देखिए संजीवनी, मैं एक बात स्पष्ट बता दूं, जी दिल के दौरे को अगर ये कहा जाए कि एकदम हो गया, कोई रावण का रोल रामलीला में कर रहा है, कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, एकदम हो गया, तो मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि एकदम नहीं होता है। कुछ ना कुछ पहले दिल में चल रहा होता है। गलती क्या होती है, एक आम आदमी है उसको मालूम नहीं होता, तो उसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया भी आजकल जमाना आ गया है जो लोग हाई रिस्क पे हैं। कौन हाई रिस्क पे है, ऐसा इंसान जिसकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट की खराब है, ऐसा इंसान जो ओवरवेट है, ऐसा इंसान जो स्मोकर है, ऐसा इंसान जो अल्कोहल टेकर है, ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ में चल रही है, दिन रात सुबह शाम एग्जीक्यूटिव है, कोई लेन देन की चिंताएं हैं। तो सर ये सारी समस्या तो आजकल सबके साथ है। लेट मी कंप्लीट प्लीज। ये सबके साथ नहीं है, हमें संजय लाइफ को मैनेज करना पड़ता है। हमें इन रिस्क फैक्टर्स को देख के हमें अपने आप का हमेशा अपने जो आजकल स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, हार्ट चेकअप्स होते हैं, अगर वो करवाया जाए तो हमें दावे यकीन से कर सकता हूँ दिल का दौरा कोई आसमान से कोई पले नहीं गिरी जो एकदम होता है। कुछ ना कुछ चीजें पहले चल रही होती हैं जिनको या तो हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं। हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है छाती में, शायद मुझे गैस है, वो जब खत्म हो गया पता चला तो ये दिल का दौरा था। तो मेरी आम जनता को ये आग्रह है कि आपको ऐसी कोई भी तकलीफ हो, वो आप जो रिस्क फैक्टर्स में है, सारे लोगों के रिस्क फैक्टर बराबर नहीं है, हजारों लाखों लोग आज भी अच्छी जिंदगी काट रहे हैं, अपने लाइफ को बैलेंस रखते हैं, अपने लाइफ को नाप तोल के रखते हैं, अगर ऐसी चीजें हैं तो मेरा खुलेआम आग्रह है अपना कोलेस्ट्रोल, अपना ब्लड शुगर, अपना इकोकार्डियोग्राम अगर आप करवा के रखेंगे तो मैं दावे और यकीन से कहता हूँ इस किस्म के झटके बंद तो मैं नहीं कहूंगा कम हो जाएंगे। और ये भी सच है जो हार्ट की घटनाएं पहले 40-45-50 साल के ऊपर होती थी ये मैं मानूंगा, और इन लास्ट 3-4 डेकेड्स में ये जो जल्दी शुरू हो गया है उसके कारण भी बहुत जाने माने हैं, उनको हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, उनको हम कम जरूर कर सकते हैं। लेकिन कम कैसे हो, यही यही चीज है कि लोग कैसे जान पाए कि आज वो हाई रिस्क पे है।